नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। जल्द ही रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस रक्षाबंधन के मौके पे घर में ही हम आज कलाकंद बनाने वाले हैं। कलाकंद बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: 250 ग्राम पनीर, 1 गिलास दूध, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, घी, लंबे स्लाइस में कटा हुआ काजू, काजू के बजाय आप दूसरे भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी। सबसे पहले हम पनीर ग्रेट कर लेंगे। पनीर पूरा ग्रेट हो चुका है, अब हम कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके दूध को एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने के बाद ही हम ग्रेट किया हुआ पनीर इसमें डालेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप दूध को गर्म करिए और दूध को फाड़ के भी पनीर के बजाय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे लगातार इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। अभी हम इसे अच्छे तरीके से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। दूध और पनीर को पकाते हुए 2 मिनट हो चुका है। आप दूध और पनीर को पहले पका लें, इसके बाद ही कंडेंस मिल्क डालें, ताकि हमारे जो कलाकंद है वो जूसी और मुलायम बने। मैं यहाँ पे जो कलाकंद बनाने के सामान का इस्तेमाल कर रही हूँ, वह सामान बहुत ही इजी तरीके से सभी जगह पे मिल जाती है, और ख़ासकर आप इसी तरीके से झटपट बनने वाली कलाकंद बनाइए। कलाकंद बिल्कुल ही आसान तरीके से बनती है। वैसे तो आजकल भाग दौड़ के समय में सभी आसान रेसिपी चाहते हैं, और यह बहुत ही झटपट और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है। पनीर और दूध को पकाते 4 मिनट हो चुका है और यह अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर बाकी की सामग्री डालेंगे। हमें इसे फुल फ्लेम में ही पकाना है। अभी अब हम इसमें 4 बड़े टेबल स्पून शक्कर डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा चलाते हुए पका लेंगे। आप बाकी की सामग्री डालते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लें, ताकि नीचे जले ना। शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आप कलाकंद का दाना बारीक चाहते हैं तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं। चलिए अब हम कंडेंस मिल्क डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क का उपयोग कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और इसे और भी अभी हम पका लेते हैं। हम इसे इसी तरीके से लगातार दबाते हुए पकाएंगे और इसे पूरी तरह से सूखने देंगे। आपको अगर पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और यह हमारा कलाकंद बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में सेट करेंगे। अब हम इसमें ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे बटर या घी से ही ग्रीस करें, तेल से बिल्कुल भी ना करें। घी है जो आसानी से जम जाती है, गर्म होने के बाद पिघल जाती है, और इसी तरीके से हमारा कलाकंद है भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए आप घी या बटर से ही करिए ग्रीस। आप इसे गरम गरम में ही सेट करें, ठंडा बिल्कुल भी ना होने दें। ठंडा होने के बाद यह बिखरने लगेगा। इस तरीके से चम्मच की सहायता से फैला लें। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। चम्मच की सहायता से इस तरीके से बिल्कुल दबा लें हल्का हल्का, ताकि यह ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अंदर तक चला जाए। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में डालेंगे। 1 घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए हमारे कलाकंद को। अगर आपकी कलाकंद तब भी नहीं जमी रहती है तो आप थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं।
चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे कट करिए। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं कलाकंद का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बना है, यह बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें।